नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। पर शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से लगातार इस मामले में एक से एक गिरफ्तारी हो रही थी, अब मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये मामला जिस तरीके से पेचीदा बनता जा रहा था, अब इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। हालांकि कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से दलीलें दी गई कि जिस तरीके से इसमें मनी ट्रेल किया गया है और जो शराब घोटाले के एवज में जो पैसा आम आदमी पार्टी को आया है, वो जो पैसा है गोवा के चुनाव में लगाया गया है। और यही तमाम जो सबूत है उसी कड़ी को जोड़ने के लिए ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन जिसके बाद जो कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए उन्हें ईडी की रिमांड में भेजा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से उन्हें आने वाले समय में इस मामले में राहत मिलती है या फिर आफत। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश आम जन तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो और उनका जीवन जो है राष्ट्र को समर्पित है और वो देश की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहेंगे। दिल्लीवासियों में चाहे वो माताएं हों या बहनें हों, किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वो एक बार फिर से बाहर आएंगे और लोगों की सेवा के लिए एक बार फिर से जुटेंगे। कुल मिलाकर के साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये मामला पूरा पेचीदा बनता जा रहा है, अब देखना ये हुआ कि आगे और किस तरीके से ये मामला और किस और करवट लेता है। साथ ही देखना ये भी होगा कि जब 28 तारीख को दोबारा से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाता है तो उस समय उन्हें राहत मिलती है या फिर आफत। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने जारी किया है एक वीडियो संदेश। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड मिलने के बाद आज उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनीता केजरीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चिट्ठी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों के नाम एक चिट्ठी भेजी है और इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो पढ़ करके उन्होंने सुनाया। हालांकि इस दौरान सुनीता केजरीवाल काफ़ी भावुक भी हो गई। सुनीता केजरीवाल ने चिट्ठी पढ़ते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो अटल हैं और उनका जीवन राष्ट्र को समर्पित है, कई संघर्ष आए हैं, आगे भी संघर्ष रहेगा और वो हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं और दिल्ली वासियों से किए वायदे को लेकर के वो प्रतिबद्ध हैं और जैसे ही वो बाहर आएंगे एक बार फिर से दिल्ली वासियों की सेवा में तत्पर रहेंगे। कुल मिलाकर के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक और ईडी हिरासत में गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी, वहीं इस दौरान चिट्ठी पढ़ते हुए सुनीता केजरीवाल काफ़ी भावुक भी होती हुई नजर आई। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। लोकसभा चुनाव के पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड और किसानों के मुद्दे के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी बीजेपी पर बड़ा हमला किया। मौका था आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती का, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बीजेपी पर एक के बाद एक कई निशाने किए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी बांड का खुलासा होने पर बीजेपी पूरी तरह से घिर गई है। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे को बदलने के लिए ईडी और सीबीआई को लगा दिया गया है। बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इस मामले में अदालत न्याय जरूर करेगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह बीजेपी
संविधान को बदलना चाहती है और लोकतंत्र को खतरे में डाल कर रखी है, इसका जवाब जनता लोकसभा के चुनाव में जरूर देगी। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी बड़ा दावा किया कि जिस तरह से नौजवान, किसान और बेरोजगार परेशान है, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है, बयान किया है, आगे की तस्वीर क्या होगी, क्या ऐसे चुनावी बयान से समाजवादी पार्टी को कुछ लाभ होगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आसिफ बेग। देहरादून में महिला होमगार्ड ने निकाली बुलेट गश्त, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव की वेला में चुनाव निष्पक्ष हो सके, चुनाव में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। आज उत्तराखंड में अब तक जो महिलाएं सड़कों पर ट्रैफिक संभालती थी महिला होमगार्ड्स की, अब उन लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठा रही है, यानी स्वयं भी मतदान करेंगे, लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। आज उसके लिए बाकायदा होमगार्ड्स महिला जो महिला होमगार्ड्स है उनका एक बुलेट दस्ता अपनी रैली को लेकर यहाँ से निकला है, जो देहरादून से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार तक जाएगा, हरिद्वार से वापस देहरादून आएगा। लोगों को यही संदेश देना है, काम करेंगे कि महिला अपराध के प्रति भी जागरूक रहें, जहाँ पर भी महिला अपराध होता है उसके प्रति अपने कंप्लेंट जरूर की जाए ताकि उस महिला को न्याय यहाँ पर मिल सके, साथ ही मतदान भी करें, जिस मतदान में चुनावी पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो लगातार प्रयास यही है कि उत्तराखंड में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके, लोग ज्यादा से ज्यादा इस चुनावी पर्व में सम्मिलित हो सके। कैमरा मैन सुनाया था तभी कैनपुरा इंडिया वाइज। लखनऊ में चुनाव का ऐलान होने के बाद नेताओं ने सीएम योगी से की मुलाकात, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्ण मिश्रा। 2024 लोकसभा तारीखों का ऐलान होने के बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने आलाकमान से मुलाकात करना शुरू कर दिया। आज जो है सांसद जगदम्बिका पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। साथ ही साथ जो विकास गुप्ता हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है मुलाकात की है। मुलाकात के बाद इन तमाम नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हम तमाम नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 में किस रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ा जाए, किस रणनीति के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में जाया जाए, उसका मंत्र भी हमें दिया है। और हमें उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 सालों में काम किया है उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद एक बार दोबारा मिलेगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश में सरकार बनेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी। दिल्ली में आपके विधायक के घर पर पहुंची है आईटी की टीम, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शासित आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। सत्येंद्र जैन से लेकर के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उसके बाद आप सांसद संजय सिंह और फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी अन्य नेताओं तक भी पहुंचने की कवायद में जुट गई है। इसी का परिणाम शनिवार को देखने को मिला, जब शनिवार सुबह आम आदमी पार्टी के मटियाला से विधायक गुलाब सिंह के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी जो टीम है वो छापेमारी करने पहुंची। हालांकि अभी तक मामला सामने नहीं आया कि आखिरकार इनकम टैक्स की जो टीम थी वो किस मामले को लेकर के छापेमारी करने पहुंची, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार बताया ये जा रहा है कि 2022 में निगम चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ लोगों से टिकट के बदले रिश्वत की मांग की थी और उसी मुद्दे को लेकर के जो इनकम टैक्स की जो टीम है वो मटियाला से विधायक गुलाब सिंह के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस मामले में इनकम टैक्स की टीम को क्या कुछ हाथ में लग पाता है, लेकिन यह साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसी का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल थमने वाली नहीं दिख रही है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अमरोहा में सपा सांसद दानिश अली का विरोध लगातार जारी है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा सांसद दानिश अली का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार मुस्लिम समाज के लोग भी अमरोहा सांसद दानिश अली का लगातार विरोध कर रहे हैं।
दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर उनका विरोध मुस्लिम समाज के लोगों ने लगातार किया है। बैनर हाथ में लेकर उनका विरोध किया है। उन्होंने एक नारे के साथ विरोध किया है, राहुल भैया आप हमारे भाई हैं, अमरोहा सांसद दानिश अली 5 साल से फरार हैं, इस तरह का नारा लगाकर उन्होंने उनका विरोध किया है। जिस तरह से लगातार अमरोहा में सुर्खियों में चल रहा है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अमरोहा के सांसद दानिश अली को बनाया है, इसकी चर्चाएं तेज़ हो रही थी, जिसके बाद सैकड़ों किलोमीटर का अमरोहा के मुस्लिम समाज के लोग सफ़र तय करके दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया है और अमरोहा सांसद को 5 साल से फरार बताया है और अमरोहा सांसद का खुलेआम लगातार विरोध चल रहा है। वहीं अमरोहा ज़िले की अगर बात की जाए तो अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में भी सांसद का लगातार विरोध है, क्योंकि जिस तरह से अमरोहा सांसद के लगातार कई जगह पोस्टर भी लगे हैं कि लापता सांसद के पहले पोस्टर भी लगे थे, इस बार गांव के लोगों ने कई गांवों में ऐसे पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है कि सांसद दानिश अली का गांव के अंदर आना मना है, गांव में अगर सांसद दानिश अली आते हैं तो अपनी जान माल का खुद जिम्मेदार होंगे, इस तरह के पोस्टर भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस मुख्यालय से क्या फैसला लिया जाता है, क्या इतने विरोध के बाद भी कांग्रेस दानिश अली पर अपना दाव खेलेगी या फिर किसी और प्रत्याशी को अमरोहा से गठबंधन का प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में भेजेगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद। लखनऊ में सपा विधायक मनोज पांडे को दी गई वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बैंक। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्रास वोटिंग करने वाले सपा विधायकों को अब तोहफा मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सपा विधायक मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस सुरक्षा प्रदान करने के बाद अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग किया था। इसमें से महाराजी देवी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हैं, उन्होंने वोटिंग करने से इनकार कर दिया था। इसको लेकर भी अब चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, मनोज पांडे और विनोद चतुर्वेदी समेत 7 सपा विधायकों ने बीजेपी के लिए वोटिंग किया था। इस वोटिंग के बाद इन विधायकों के रिश्ते भी समाजवादी पार्टी से करीब करीब तल्ख हो गए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और विनोद चतुर्वेदी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से इन विधायकों ने बीजेपी के लिए काम किया और क्रॉस वोटिंग की है, इससे उनको तोहफा मिल गया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी ने वोटिंग नहीं किया था। उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह बीजेपी के दबाव में नहीं आई। इसके बाद उनके घर छापेमारी शुरू कर दी गई। हालांकि सपा के विधायकों को एक तरफ जहां वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है लोकसभा चुनाव के पहले, वहीं महाराजी देवी के घर पर हुई छापेमारी को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आने वाले दिनों में बीज सपा के बागी विधायकों को और भी इनाम मिलेगा या नहीं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आसिफ बेग। लखनऊ में यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमान। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला मदरसा बोर्ड को लेके, आपको बता दें मदरसा शिक्षा अधिनियम को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। वहीं एक्ट के प्रावधान को धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। आपको बता दो उत्तर प्रदेश में कुल 25,000 मदरसों की संख्या है, इसमें 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। वहीं फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट पर मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कसा तंज, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 6 उम्मीदवारों का नाम घोषित हो चुका है। अभी 5 उम्मीदवारों का नाम घोषित होना बाकी है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 5 प्रत्याशियों का नाम जल्द ही चर्चा के दौरान फाइनल कर लिया जाएगा और जिसकी औपचारिक घोषणा दिल्ली से होगी। इसी बात को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सचिन पायलट के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि वो राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ने के तैयार नहीं हुए और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों का चयन करने आए हैं। मैं उनको समझाइश देता हूं कि वो राजस्थान जाएं और वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। कोटद्वार में आचार संहिता लगते ही चप्पे चप्पे पर हो रही है चेकिंग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंजन गोयल। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, लोकसभा चुनावों के बाद आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगने के बाद से लगातार कौड़िया चेक पोस्ट पर कोटद्वार पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आप यहां देख सकते हैं कि बाहर से आने वाली गाड़ियों की सभी की चेकिंग की जा रही है। बीते अभी पिछले 3 दिनों से पहले की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर 3 व्यक्तियों के पास से बिजनौर, मेरठ और किरतपुर के रहने वाले थे, उनके पास से कैश पाया गया है। आप यहां पर जिस तरह से हमारे उत्तराखंड के साथ साथ यूपी की पुलिस भी यहां पर चेकिंग कर रही है, बाहर से आने जाने वाली गाड़ियों की सभी की चेकिंग की जा रही है। इसी तरह से लगातार यहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही पुलिस का कहना है कि हमारे द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है और किसी पर भी शराब या पैसा कोई लाते हुए पाया जाता है तो उस पैसे को जब्त या शराब को जब्त कर लिया जाता है। साथ ही यहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि चेकिंग के लिए किसी तरह भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से यहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आप यहां देख सकते हैं पूरी लंबी लाइन यहां पर यूपी की पुलिस खड़ी भी है और यहां पर पुलिस के द्वारा, यूपी की पुलिस के द्वारा भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पुलिस भी यहां पर चेकिंग अभियान चला रही है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि आपको दिखा रहे हैं हम कि हमारी पुलिस यहां पर लगी हुई है पीछे और पूरा यहां पर उन्होंने हर आने जाने वाली गाड़ियों को रोक करके उनकी चेकिंग की जा रही है। कोटद्वार से अंजन गोयल की रिपोर्ट। कोरबा में नशीली दवाइयों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोहेल केदवई। में नशीली दवाओं और नशीले इंजेक्शनों का कारोबार काफी तेजी से है, यही कारण है कि पुलिस ने इन गिरोह पर अब अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। हाल ही में पुलिस की लगभग 3 कार्रवाइयां की गई जिनमें काफी संख्या में नशीली दवाएं और नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं जो यहाँ के युवाओं को मौत की चपेट में ले रहे हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिनके पास से 340 नग नशीली दवाओं को पकड़ा है और नशीले इंजेक्शनों को पकड़ा है और इनके पास से इनको जो बेचते थे उसकी रकम भी जब्त की है, लगभग 5,400 रुपये। आपको बता दें कि कोरबा जिले में ये नशीली दवाओं और नशीले इंजेक्शनों का कारोबार काफ़ी तेजी से है, यही कारण है कि पुलिस ने अपनी नज़र टेढ़ी कर ली है। यहाँ के युवा जो हैं वो इसकी चपेट में काफ़ी आ रहे हैं जिसको लेकर अब पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी नशीली दवाओं के कारण, नशीली दवाओं के सेवन के कारण 2 मौतें भी कोरबा जिले में हो चुकी हैं, यही कारण है कि पुलिस अब नशीली दवाओं के खिलाफ अपनी नज़र टेढ़ी कर ली है। आपको ये भी बता दें कि कोरबा जिले के बाहर से आकर के जांजगीर, चापा, बिलासपुर, रायगढ़ से लोग आकर कोरबा में नशीली दवाओं का व्यापार करते हैं। अगर पुलिस की कार्रवाई इसी तरह से जारी रही एक हद तक युवाओं को नशीली दवाओं की लत से बचाया जा सकता है। कोरबा से इंडिया वॉइस के लिए मैं सुहेल किडवई। मथुरा में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। बदमाशों का खौफ लगभग खत्म होता जा रहा है, आए दिन घटनाएं कर रहे हैं बदमाश। इसी के क्रम में एक ज्वेलर्स के यहाँ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। पिता और पुत्र थाना हाईवे आगरा दिल्ली बाईपास पर अपनी दुकान बंद करके लौट रहे थे, तभी जो है 3 बदमाशों ने
उन पर हमला करते हुए उनसे 15 से 20 लाख रुपए के जेवरात सोने और चांदी के और 2.5 लाख रुपए नकद जो है छीन लिए यानी लूट कर ले गए और पिता और पुत्र को घायल कर गए। पुत्र को जिला अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया है। पुलिस की कई टीमें इस पर लग गई हैं और तमाम इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और इसमें जो है एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार और तमाम अन्य अधिकारी इस काम पर लग गए हैं। उनका कहना है कि जल्द ही बदमाश जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मसवा। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।